नमस्कार, मिड डे में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। रांची के पुंदाग थाना के दारोगा संध्या टोपो की हत्या मामले पर विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। इससे पहले बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा ने निलंबित विधायकों के निलंबन को वापस लेने का आग्रह किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन भी विपक्षी दल यानी भाजपा के विधायक बाहर बैठे हैं। क्या क्या उनकी मांगे हैं? हालांकि गौ हत्या और कई सारी जो मांगे हैं, हाल ही में एक संध्या टोपनो की हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। विरंची नारायण जी हैं। विरंची नारायण जी, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर आज सदन के अंदर भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं? देखिए, विधि व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में। जिस तरह से झारखंड में विधि व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जिस तरह से उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, चोरी लूट डकैत बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से गौ तस्करों का मन बढ़ा है, ये बहुत ही चिंतनीय है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक चिंतित नहीं है, पूरे राज्य की जनता चिंतित है। और इसी विषय को लेकर हम लोग आज यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो संध्या टोपनो एक बहन ईमानदार अधिकारी पुलिस अधिकारी की हत्या हुई, उसके बाद भी सरकार का नींद खुला नहीं है, सरकार की नींद टूटी नहीं है। झारखंड में रघुवर सरकार ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस सरकार ने उसका मखौल उड़ाने का काम किया है। मेरा मानना है कि जो खुलेआम गौ हत्याएं हो रही हैं सिमडेगा से लेकर साहबगंज तक, शायद ही वैसा कोई जिला होगा जहां गौ की तस्करी नहीं हो रही है, गौ की हत्या नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि जो गौ हत्या करते हैं और जो तस्करी करते हैं, उनका स्थान जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो ये जो है भाजपा के सभी विधायक अपने अपने इनके मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर दिन एक अलग मुद्दा लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर ये हंगामा कर रहे हैं। इतनी बढ़ गई है कि इस राज्य की बेटी आदिवासी दरोगा संध्या टोपनो की गौ तस्करों ने हत्या कर दी कुचल कर, और ये अपने आप को झारखंड के हितैषी आदिवासी मुख्यमंत्री और सरकार जो है आदिवासियों के जो हितैषी अपने आप को बोलते हैं, उनके संरक्षण में अपराधी जो है गौ तस्कर जो है उस बेटी की हत्या कर दिए कुचल कर, और ये कुछ नहीं कर रही। भाजपा इन्हीं सभी तमाम मुद्दों के साथ जो है सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी हंगामा करने वाली है। आपको बता दें कि संध्या टोपनो की जो हत्या हुई थी, गौ तस्करों ने हत्या की थी, तो उस पर विपक्ष की जो भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, लेकिन सत्ता पक्ष के तरफ से उनके आवाज पर कोई नहीं पहुंचा था और इस तरह से हंगामा जारी है। हालांकि कल अंतिम दिन है, अब कल देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष का रवैया रहता है सदन के अंदर या बाहर। बता दें, चार विधायक सस्पेंड हुए थे और आज जो निलंबन का आखिरी दिन है, कल वो सदन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि आज अगर निलंबन वापस होता है तो उन्हें सदन के अंदर प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा का सिस न्यूज रांची। कम से कम दो लोगों को नामित कर माननीय सदस्य जो पिछली सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, दीपिका पांडे सिंह, श्रीमती दीपिका सिंह पांडे सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सुखाड़ की जो परिस्थिति बनी है उस वक्त मेरा सवाल बहुत अहम हो जाता है। जो जवाब आया है अध्यक्ष महोदय, उससे तो यही लग रहा है कि जैसे पिछले 20 सालों में नहीं यार, इन लोग अपना जेब छिपाने के लिए जो गलतियां ये लोग कर रहे हैं, सरकार को इन लोग अस्थिर करने का, सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, और साजिश का भंडा फोड़ हो गया है। तो ये बेवजह के मुद्दे लेकर, कोई मुद्दा इनके पास है नहीं बेवजह के मुद्दों को लेकर, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जनहित के लिए, जन राज्य के विकास के लिए, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन आहूत होता है और उसको ये निरंतर बाधित करते हैं।